गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अर्थात ब्याज। तो आई होप सभी ऑन बोर्ड होंगे इस समय चैनल पे, और आप सभी ने रोज़ की तरह नोट्स खोल लिया होगा अपने रेफरेंस के लिए। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम ब्याज यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फंड्स। इंटरेस्ट का सिद्धांत आज हम समझेंगे करेंगे और इस टॉपिक को आज कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे। ओके, आई होप एवरीबडी इज रेडी विद देयर नोट्स। इन नोट्स को रेफर करते रहिए तो आपका क्लास बहुत सरल हो जाएगा, और जो मैं बात कन्वे करना चाहता हूँ वो क्रमवार नोट्स में मेंशनड है। तो काइंडली ओपन द नोट्स। टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ब्याज वो सिद्धांत है जिसके जरिए कोई भी धनराशि कुछ समय बाद बढ़ जाती है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से, इसीलिए उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट शब्द शायद दिया गया है। इंटरेस्ट मतलब किसी का उसमें रुचि है, क्योंकि वो धनराशि बढ़ने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। इसमें कोई धनराशि होती है जिसको हम लोग मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं, पी। कोई ब्याज की दर होती है, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, उसको आर परसेंट कहते हैं, प्रतिशत में। ध्यान दीजिए, प्रतिशत के सिद्धांत का यहाँ बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए प्रतिशत हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और कुछ समयावधि होती है कि कुछ समय बाद वो धनराशि कितना बढ़ जाएगी, हम लोग उस पर ब्याज निकालते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई, मूलधन यानी जिस पे ब्याज लगना है, ब्याज की रेट, और समयावधि टी। इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हर सवाल में और हर टॉपिक में मैं बार बार कहता हूँ, यूनिट्स, इकाइयाँ। यदि समयावधि हम लोग ईयर्स में ले रहे हैं तो आर हम लोग पर एनम या वार्षिक दर लेंगे। यदि टी समयावधि नंबर ऑफ मंथ्स है तो आर हम लोग पर माह लेंगे ब्याज की दर। यानी टी और आर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टी आप ईयर्स में ले रहे हैं और आर मासिक ले रहे हैं, या त्रैमासिक या क्वार्टरली ले रहे हैं। कॉमन जो शब्दावली है, क्वार्टर मतलब 3 मंथ होता है, 1 मंथ 1/12 ईयर होता है, ट्राइमेस्टर होता है 4 महीने का। इस प्रकार हम लोग अलग अलग समयावधि को की अलग अलग रेट्स लेके चलते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 24% वार्षिक है तो हाफ ईयरली हो जाएगी 12%, क्वार्टरली हो जाएगी 6%, मंथली हो जाएगी 2%। सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये भी आपको पता ही है, यानी ये हो गया ब्याज जो आप टी ड्यूरेशन में आर रेट से अर्न करोगे कोई भी धनराशि। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अ फ्लैट रेट ऑफ आर परसेंट ऑफ पी इज इंटरेस्ट अर्न पर ईयर। मतलब एक धनराशि पे एक फ्लैट रेट लगा लिया आपने सीधे सीधे, वही धनराशि आपकी जो बढ़ गई उसको ब्याज कहते हैं। तो इस प्रकार टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, मूलधन पी था, सिंपल इंटरेस्ट SI से लिखा मैंने, तो पी प्लस SI हो गया। यानी मूलधन में ब्याज ऐड कर दो, ये आपकी कुल धनराशि टी समयावधि के बाद हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, पी इंटू 1 + RT/100 रुपीज। यानी पी धनराशि थी जो टी समय बाद दर से ब्याज लगते हुए इतनी हो गई, पी गुणा 1 + RT/100 रुपीज। यहाँ परसेंटेज का सिद्धांत याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, अब गौर कीजिए रहा है यहाँ पे। जैसे कि ये पी धनराशि आरटी परसेंटेज से बढ़ गई, याद है जब 10% बढ़ती है तो हम लोग 1 + 10/100 लेते थे, जब 7% बढ़ रही तो 1 + 7/100 या 1.07 से मल्टीप्लाई करते थे। वही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आरटी परसेंट था उसका। ओके, अब इसी में कई फॉर्मूले बनते हैं, कई सवाल बनते हैं कि भाई धनराशि डबल कब हो जाएगी, ट्रिपल कब हो जाएगी।
डबल होने का समय होता है 100 बाई आर ईयर्स, यदि आर प्रतिवर्ष की ब्याज रेट ब्याज की दर है। निकला कैसे ही है, टोटल मनी जो है पी प्लस एस आई, इसको 2p लिख दो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, यहां से आपका पी पी कैंसिल हो जाएगा, आपको केवल समयावधि निकालनी है, वो दर के टर्म्स में आ जाएगी, यानी 100 बटा आर वर्ष में वो धनराशि डबल हो जाएगी। सिंपली कह लें ट्रिपल कब होगी, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 8% की रेट है, बताइए कितने समय बाद धनराशि डबल हो जाएगी, ये 100 बटा 8 आ जाएगा, सिंपल 100 बाई आर होता है, यानी 12.5 साल, यानी 12, हाँ ठीक है, 12.5 वर्ष, 12 वर्ष 6 माह। ट्रिपल कब हो जाएगा, अगेन कुल धनराशि पी प्लस एस आई हो जाती है, उसको 3p कर दो, फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, इक्वेशन को हल करोगे, यहां से टी 200 बटे आर आ जाएगा। इट शोज दैट द मनी विल बिकम एन टाइम्स, एन गुना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 100 गुना, कितनी समयावधि में होगा ये, 100 n-1 by r years, इसे मेमोराइज कीजिए और होमवर्क में इसके इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस। इन सच क्वेश्चंस इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू नो द प्रिंसिपल, आपसे समयावधि पूछी है कि कितने समय में कोई धनराशि इतना गुना हो जाएगी, ये समयावधि जो है केवल दर पे डिपेंड करती है, इनिशियल धनराशि कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए टी के फॉर्मूले में केवल आर है, एन गुना होने के लिए 100 n-1 by r। अब इसी में एक सवाल बनता है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, वार्षिक किश्त, आपने कोई लोन लिया है कहीं से और उस पर सरल ब्याज लग रहा है, तो कितना होगा, कितना वार्षिक पेमेंट किया जाए समयों के लिए कि ये आपका लोन समाप्त हो जाए, चार्ज हो जाए। इसका फॉर्मूला सिंपल याद कर लीजिए, इसको देखने में थोड़ा जटिल लग रहा है बट याद किया जा सकता है क्योंकि ये सीधे ही एग्जाम्पल में अप्लाई हो जाएगा। अगर लोन की राशि है एस, टी समय के लिए लिया गया है और आर रेट का साधारण ब्याज वार्षिक चार्ज हो रहा है, ध्यान दीजिए जब टी वर्ष में है तो आर वार्षिक दर होगी, टी महीने में है तो आर मासिक दर होगी, टी अगर छमाही है, अर्धवर्ष है, तो आर छमाही चार्ज होगी, टी क्वार्टर्स है तो आर क्वार्टरली चार्ज होगी। टी और आर में कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए, नहीं तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, कॉन्सेप्ट समझने के बावजूद गलती हो जाएगी क्योंकि आपको ये बेसिक कॉशन ध्यान नहीं होगा, इसलिए इस कॉशन को ध्यान रखिएगा, टी और आर की यूनिट्स में कंसिस्टेंसी। ये फॉर्मूला है, दिस इज द मनी टू बी पेड एवरी ईयर चार्ज द लोन डेट आफ्टर एन ईयर्स, आफ्टर टी ईयर्स कह लीजिए, टी रखा हमने प्रतीक को, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 580 रुपया ड्यू इन 5 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर ईयर। ऑफ कोर्स जब समयावधि वर्ष में है तो ब्याज दर वार्षिक दी जाएगी, यहाँ दी भी है। इस फॉर्मूले में सीधे मान रखिए टी 5 है, एस 580 है, आर 8 है। सबसे पहले काम करना है हर सवाल में किसी भी चैप्टर का हो, यूनिट्स की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, यहाँ भी मैंने लिख दिया इसीलिए। तो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होता है 200s डिवाइडेड बाय टी इनटू 200 प्लस आर डॉट टी माइनस 1, संख्याएं रखते जाइए, कैलकुलेट कीजिए, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कीजिए, बोर्ड मैथ्स का रूल ध्यान रखिए, आंसर आ जाएगा 100 रुपये, यानी 580 रुपये का उधार लिया व्यक्ति ने और 5 साल तक उसको भुगतान करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आ गई। ओके, और हाँ यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि जैसे ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ईएमआई जिसे कहते हैं कॉमन भाषा में हम लोग जानते हैं। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको जब मंथली पेमेंट करना है तो टी की वैल्यू मंथ्स में आएगी, तो आर रेट पर मंथ ले लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या होता है, वार्षिक दर दी जाती है और सवाल का आंसर पूछते हैं महीनों में, तो वार्षिक दर को 12 से डिवाइड कर दो, मासिक दर आ जाएगी, फिर आपकी यूनिट्स कंसिस्टेंट हो जाएंगी, उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करना।
अगला टॉपिक लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, रियल लाइफ में होता है। साधारण ब्याज कम ही देखने में मिलता है, ज़्यादातर चीज़ें कंपाउंड होती हैं, यानी चक्रवृद्धि दर से बढ़ती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है। पूरी धनराशि पे एक फ्लैट रेट नहीं होता है, इसमें ये समझ लीजिए कि वो धनराशि प्रत्येक वर्ष एक फिक्स्ड परसेंटेज से बढ़ती है। परसेंटेज वाला क्लास याद कीजिए, जब कह रहा हूँ कि 10% कोई चीज़ बढ़ेगी तो 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10% हर साल बढ़ रही है, देखिए अगर 10 लाख रुपए का फंड्स है वो हर साल 10% बढ़ रहा है, तो एक प्रथम वर्ष के बाद हो जाएगा 10 लाख गुणे 1.1, याद कीजिए पुराना क्लास, 10% निकाल के ऐड करो या 1.1 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। दो वर्ष बाद उसी को 1.1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तीन वर्ष बाद उसी को 1.1 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, चार वर्ष बाद 1.1 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन। क्यूब्स, पावर्स इत्यादि हम लोग पढ़ ही चुके हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ मनी। कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा पी 1+R/100 की पावर टी माइनस पी, क्योंकि पी 1+R/100 की ये तो मनी का एक्चुअल वैल्यू है, जो इतने वर्षों बाद मनी हो चुका है। इसमें से इनिशियल मनी घटा दो जो कि पी था, तो कितना उस मनी से अर्निंग हुआ, मनी मेक्स मनी, वो निकल के आएगा, उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे आर वही है जो पुराना हमने सरल ब्याज में प्रतीक लिए थे, आर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर ईयर। इस एग्जाम्पल में जो 10 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट जो है 10% प्रतिवर्ष हो गया। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं मनी डबल कब होता है। मनी की वैल्यू हो गई पी 1+R/100 की पावर टी, ये 2P हो जाएगा किसी समय टी के बाद। यू डोंट नो पी क्या है, बट आपको जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखिए दुगुना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, एन गुना हो रहा है, रेशियो। रेशियो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल वैल्यू, नाइदर इट गिव्स आइडिया ऑफ एक्चुअल वैल्यू। रिकॉल इक्वेशन आ जाएगी 1+R/T की पावर R/100 इज इक्वल टू 2। ये थोड़ी सी जटिल सी दिख रही है, इसे सॉल्व कैसे करना होगा बताते हैं अभी। ट्रिपल कब होगी, यही चीज 3 हो जाएगी। एन गुना कब होगी, यही एक्सप्रेशन एन के बराबर हो जाएगा। ओके, फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि टी का वैल्यू अगर वर्ष में है तो आर वार्षिक दर होगी, टी का वैल्यू अगर मंथ्स में है तो आर मासिक दर होगी। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा निकल के आता है, इसीलिए वही अप्लाई होता है। सी आई इज मोर देन एस आई, कैसे, चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पी 1000 लिया, आर 7 लिया, टी 5 लिया। ऑफकोर्स अगर टी वर्षों में है तो आर वार्षिक दर होगी, पी का यूनिट रुपया है, ऑफकोर्स सम है। सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100 कीजिए, देखिए नोट्स में 350 रुपये आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट वही फॉर्मूला लगाइए जो मैंने हाईलाइट कर रखा ग्रीन में, पी 1+R/100 की पावर टी माइनस पी, ये आप कैलकुलेटर से करोगे तो 402 रुपया आ गया, 402 रुपया 55 पैसा, ये समझने के लिए है केवल। आर बाई 100 ऑफकोर्स 0.07 हो जाएगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज वाई इट इज अट्रैक्टिव। अब क्वेश्चन है, अब अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times। देखिए फॉर्मूला वही है, सिद्धांत तो वही है, 1+R/100 इज इक्वल टू की पावर टी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। एन टाइम्स क्या जो दशा होती है, नोट दैट हेयर इंटरेस्ट रेट आर इज नॉट गिवन, नाइदर इट इज रिक्वायर्ड। आपको एक तरह से यहाँ दो समीकरण बनेंगे, देखिए कैसे बनते हैं। मैंने कहा था ना किसी भी प्रश्न का हल करने का दो तरीका है, दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप उसको समीकरण में तब्दील करो, दूसरा स्टेप उस समीकरण को अज्ञात राशि के लिए हल करो। यहाँ पूछा इन हाउ मेनी ईयर्स, तो अज्ञात राशि हो गई टी। पहला समीकरण बना 1+R/100 की पावर 15 इज इक्वल टू 2, ये आ गया 1+R/100 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/15। पावर्स का चैप्टर रिकॉल कीजिए,
कल ही पढ़ा था, 8 गुना कब होगी, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर, टी इज इक्वल टू 8 हो गया, यहां से 1 प्लस आर बाई 100 आ जाएगा 8 की पावर 1 बाई टी, टीएम को नहीं पता। अब 1 प्लस आर बटे 100 की दो वैल्यूज आए, इनको कंपेयर कर लो, सॉरी 2 की घात 1 बटा 15 इज इक्वल टू 8 की घात 1 बाई टी, दोनों पक्षों की घात टी लगाओ तो आ जाएगा 8 बराबर 2 की घात टी बटा 15, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगाओगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 8 2 का क्यूब होता है आपको पता है, तो ऑब्वियसली टी बटा 15 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 8 की जगह 16 होता तो टी बटा 15 4 आ जाता, अगर 8 की जगह 512 होता तो टी बटा 15 शायद 8 आ जाता। आपको 2 की घातें याद होनी चाहिए, इस तरह के सवालों में ज़्यादातर 2 की पावर्स का ही इस्तेमाल होता है, 2 का या 3 का, इससे अधिक नहीं उलझाया जाता। टी बटा 15 3 आते ही टी आ गया 45 साल। टू सॉल्व सच क्वेश्चंस रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स, कल ही पढ़ा था। फाइंड डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम, पी ए कहते हैं, फॉर 2 ईयर्स। द डिफरेंस दिया है आपको, द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई इज 631 रुपया, फाइंड द सम, अज्ञात राशि है सम पी, मान लिया सम पी है। एस आई कितना आ जाएगा, पी आर टी बाई 100, ये आ जाएगा पी बटा 5। सी आई कितना आ जाएगा, वही बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, हल करो, आर का वैल्यू रखोगे 10 तो 1 प्लस आर बटा 100 आ जाएगा 1.1, दो वर्षों की बात है तो स्क्वायर हो जाएगा, p माइनस करोगे तो आ जाएगा p इंटू 21/100। अब ci में से si को घटा दो, p गुणा 21/100 माइनस p बटा 5 इज इक्वल टू 631, यहाँ से हल करोगे तो आप p का आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 63100 रुपीज। द सम इज इक्वल टू 63,100 रुपीस, ये आंसर आ गया। इसी में आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, भाई अगर धनराशि समय के साथ बढ़ रही है वर्तमान में उसकी वैल्यू कम आएगी, अगर भविष्य में कोई आपको 1,000 रुपये देने की बात कर रहा है तो आज उस 1,000 रुपये की वैल्यू कम होगी, इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप आगे कहीं ना कहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, NPV भी कहते हैं बिजनेस के टर्म्स में, नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV शुद्ध वर्तमान मूल्य। इसका फॉर्मूला होता है P प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड्स P ड्यू आफ्टर T ईयर्स इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। आई एम रिपीटिंग दैट, R और T की यूनिट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ भी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बनते हैं, ऑफकोर्स कोई भी लोन हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसमें एनुअल पेमेंट्स की बात आ सकती है, या पीरियोडिक पेमेंट मैं जनरली कहूँ तो, एनुअल है तो टी वर्ष में, आर वार्षिक, मासिक है तो टी की संख्या मंथ्स में, आर मासिक, क्वार्टरली में तो टी नंबर ऑफ क्वार्टर्स हो गया, आर क्वार्टरली रेट हो गया, पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स। इसका ये फॉर्मूला बड़ा सा दिख रहा है बट है बहुत आसान अगर आप देखें। एस जो है वो लोन है, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एस ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 एक टर्म है जो हर जगह आ रहा है, तो 1 प्लस आर बाई 100 को एक टर्म मान के चलिए, जैसे इसको आप स्मॉल एक्स कह सकते हैं, तो एस ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस लेकर सीरीज जोड़ते जाइए टी तक। अब ध्यान से देखिए, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, जब किसी श्रेणी में उसके पद घातों में बढ़ते हैं उसे ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, बॉड मैस के रूल को ध्यान रखिए, नहीं होगा समय। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इस परसेंटेज मंथली एंड पेमेंट इज टू बी डन एवरी मंथ, देन सेम इज द फॉर्मूला फॉर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स और EMI। टू फाइंड EMI टेक टी इन मंथ्स एंड आर इन मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन करते हैं,
वॉट एनुअल पेमेंट्स विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज 7620 ड्यू इन 3 ईयर्स एट रेट 50/3% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट। ई ए आई के फॉर्मूले में सारी क्वांटिटीज पता है, बस एक बार यूनिट्स टेस्ट कर लीजिए कंसिस्टेंट है कि नहीं। टी थ्री है तो आर वार्षिक रेट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है भी 50/3। एस का वैल्यू दिया है 7620, रखिए। प्लेन अरिथमेटिक है, 1+R/100 को सेपरेटली ही निकाल लिया करिए, बेस्ट होता है, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, आप मेंटली कर लेंगे। अब 1+R/100 यहाँ पे आ गया, 1+50/3/100 7/6 आ गया, यानी एस लिखा फिर ब्रैकेट में 7/6 लिखा, फिर 7/6 का स्क्वायर लिखा, फिर 7/6 का क्यूब लिखा, क्योंकि 3 वर्षों तक कहानी जा रही है, 3 years ना, T3 है, तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज के केवल 3 पदों का योग करना है आपको और उस योगफल को 7620 से गुणा कर देना है। सरल करना, आंसर आ जाएगा 3430 रुपीस। ये आपकी वार्षिक इंस्टॉलमेंट बन गई। अगर आर दर प्रतिमाह होती तो ये मासिक बन जाती किश्त, ईएमआई बन जाती। इसी में मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मतलब अवमूल्यन कहते हैं शायद, चेक कर लीजिएगा। जिस तरह है ब्याज की वजह से कोई धनराशि या कोई पूंजी बढ़ती रहती है समय के साथ, उसी तरह उसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट है डेप्रिशिएशन। उसकी वजह से कोई भी पूंजी या कोई भी धनराशि या कोई भी वस्तु, एसेट, मशीन, किसी की भी वैल्यू समय के साथ घटती रहती है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर है, जैसे मशीन है, समय के साथ टूट फूट होगी, पुरानी होगी, घिसेगी, उसका मूल्य कम होता जाएगा। जैसे कार ही है, हर चीज का दाम कम होता है, कार का दाम भी कम होगा, मकान का दाम भी कम होगा, हर चीज डेप्रिशिएट होती है समय के साथ। जनरली ये चीज इंडस्ट्री और बिजनेस में अप्लाई होती है। तो सवाल जो होगा उसमें किसी मशीन की वैल्यू दी होगी या कार की वैल्यू दी होगी, कोई इस तरह का एसेट होगा। ओके, अब देखिए कॉन्सेप्ट वही परसेंटेज का है। अब 10,000 रुपया है, प्रतिवर्ष 12% कम हो रहा है, तो 12% निकाल के घटाते जाओ हर साल। फर्स्ट ईयर के बाद वैल्यू कितनी होगी, 10,000 ब्रैकेट में 1-12/100। अब 12% घटाओ या 0.88 से मल्टीप्लाई करते जाओ। रिकॉल द परसेंटेज क्लास, ये वर्बल मैथ्स के लिए है। वैल्यू आफ्टर 2 years 0.88 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आफ्टर 3 years 0.88 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, एक से छोटी संख्या से जब मल्टीप्लाई करोगे तो धनराशि छोटी होती जाएगी। किसी भी संख्या को जब एक से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मूल्य गिरता जाता है। यहाँ यही हो रहा है, आप बार बार 0.88 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू गिरती जा रही है। फॉर्मूला आ जाता है वैल्यू ऑफ समथिंग पी, अगर वैल्यू है तो टी समय बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कहते हैं इसको। यहाँ पे आर की जगह बस माइनस आर लिख दिया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आर की जगह माइनस आर लिख दिया जाता है। इस आर को आप कहते हैं डेप्रिशिएशन का रेट कहा जाता है, सवाल में दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ न्यू मोटर कार हैज वैल्यू ऑफ ₹20,00,000 विद एनुअल डेप्रिशिएशन ऑफ 10%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। डेप्रिशिएशन में ये फॉर्मूला लगता है, आर नेगेटिव होता है, पी दिया है 20,00,000, आर दिया है 10, टी टाइम 2 दिया हुआ है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, 20,00,000 गुणा 1-10/100, 10% घटाना जैसा है वैसे ही 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, दो बार वर्बली हो जाएगा। 9 का स्क्वायर पता है, 81 को 2 से गुणा करो, बाकी दशमलव और जीरोस काउंट कर लो, 16,20,000। 2 साल बाद जो कार आज 20,00,000 रुपए की है वो इस रेट से अगर डेप्रिशिएट होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी मूल्य 16,20,000 रुपया रह जाएगा। अब देखो, अब 2 वर्ष बाद यदि कोई गाड़ी बिकती है, ये गाड़ी, और इस मूल्य से ऊपर बिकती है तो प्रॉफिट होगा। अगर वो गाड़ी 17,00,000 की जाती है, जो कि रियल में बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 16,20,000 से कम में बिकती है तो लॉस हो जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर तो यहीं क्लोज हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं जो एकदम अलग है इनसे, एक फॉर्मूला है, आ जाता है कभी ना कभी, सीधा ही सवाल आ जाता है। पार्टीशन,
किसी भी संख्या के पार्टीशन करना है, पार्टीशन मतलब उसको, पार्टीशन क्या होता है जैसे बंटवारा, हाउ टू पार्टीशन अ नंबर ए इन टू पार्ट सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट इज मैक्सिमम। एक संख्या के दो भाग किए, जैसे 10 लिया, दो भाग किए 3 और 7, इन दोनों भागों को गुणा किया, 3 7 21 आ गया, ये 21 है प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स, दो पार्ट्स किए उसका गुणनफल लिया, वो हुआ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स। तो कहेंगे किसी भी संख्या को कुछ भागों में बांटना है, कुछ इस प्रकार बांटो कि प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स मैक्सिमम आए। जैसे 10 लिया, इसके दो भाग किए, कई तरीके हैं दो भाग करने के, 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5, दशमलव में भी ले सकते हैं, 1.5 8 2.5 7.5। अब इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके देखो आपस में, जो पार्टीशन आप कर रहे हो, 1 9 लिया तो गुणनफल आया 1 9 9 आ गया, 2 8 लिया तो प्रोडक्ट ऑफ पार्ट आ गया 2 8 16 आ गया। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होता है जब दोनों पार्ट्स बराबर होते हैं, कितने भी पार्ट्स, कितने भी पार्ट्स करने हों, अगर प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स को मैक्सिमम रखना है तो उनकी एक समान वैल्यू रखो। यहाँ a/2 करोगे, 5 5 लोगे 10 के केस में। सिमिलरली 3 भाग करने हैं सो दैट प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स मैक्सिमम है, तीनों भाग 1/3 करते जाओ, a/3 a/3 a/3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद कर लीजिए। क्या कहेंगे इसको? इक्वल पार्ट्स ऑफ एनी नंबर गिव मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स, मेमोराइज कर लीजिए। एक होमवर्क है, हाउ टू मेक 5 parts of 20 सो दैट प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स इज मैक्सिमम। एक संख्या है 20, उसके 5 भाग करो कुछ इस प्रकार कि उन सभी भागों का गुणनफल मैक्सिमम हो जाए। इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस प्रकार हमने आज के इस क्लास में ब्याज के सिद्धांत को समझा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज वो कॉन्सेप्ट है जिसके चलते कोई भी धनराशि कुछ समय बाद बढ़ जाती है, यानी धनराशि से अर्निंग होती है, मनी मेक्स मनी, ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का सिद्धांत ही ब्याज है। ब्याज के विपरीत एक सिद्धांत होता है डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन, किसी भी मशीन में जनरली अप्लाई होता है, जिसके चलते किसी भी मशीन इत्यादि की वैल्यू स्वतः घटती जाती है समय के साथ साथ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंस्टॉल है, रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कई सारे सवाल लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से कुछ फिगर्स अज्यूम करके अपने कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए मेंटल मैथ्स अप्लाई कीजिएगा। थ्योरी यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फिक्स परसेंटेज से धनराशि बढ़ती है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एक फ्लैट परसेंटेज। काइंडली रिवाइज दीज टॉपिक्स, ध्यान रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है एट सेम रेट एंड आफ्टर सेम टाइम। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, टिल देन कीप डूइंग रिविजन्स एंड डाउनलोड द नोट्स बिफोर द क्लास। गुड बाय।